नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। बिहार में औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, पटना, रोहतास, अरवल और कैमूर जिले में बुधवार को जितिया पर्व के अवसर पर स्नान करने के दौरान 25 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार औरंगाबाद जिले में 8, पूर्वी चंपारण में 5, पश्चिम चंपारण सारण जिले में 2-2 तथा सीवान, पटना, रोहतास, अरवल और कैमूर जिले में 1-1 व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई है। औरंगाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार मदनपुर प्रखंड के कसुआ और बारून प्रखंड के इंटरहट गांव में जितिया पर्व को लेकर अपने परिजनों के साथ नदी तथा तालाब में स्नान करने गए बच्चे डूब गए थे। कुसहा के तालाब और इंटहट गांव के बटाने नदी से 4-4 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। वहीं मोतिहारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सनोती नदी में स्नान करने के दौरान गरीब पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी उपेंद्र कुमार यादव के 8 वर्षीय पुत्र शैलेश कुमार, संजय कुमार यादव की 5 वर्षीय पुत्री अनुसुप्रिया की मौत हो गई है। इतनी मौतों से पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया है। बता दें कि बिहार के अंदर जितिया व्रत बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों के लिए दोस्तों ये व्रत किया जाता है। महिलाएं दोस्तों निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं, लेकिन दोस्तों स्नान के दौरान ये हादसा हो गया है। अब तक अलग अलग जिलों में ये घटनाएं घटी हैं। कुल मिलाकर बुधवार को जितिया स्नान के दौरान लगभग 25 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आप सभी दोस्तों से विनती है कि अपने बच्चों को नदी नालों के पास ना जाने दें, उन्हें घर रखें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।